हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मैं ये सोच के खुद को समाधान कर रही हूँ कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, मेंटली फिजिकली आप एकदम फिट हो, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है। आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों से कुछ मेरी मन की बात, दिल की बात शेयर करूँ। हाल ही में हमारे इंडस्ट्री के बहुत क्रेडिबल एक्टर्स से ज़्यादा बहुत ही अच्छे इंसान हमें अलविदा कह के हमेशा के लिए चले गए हैं। ऑफ कोर्स दे रिमेन इन आवर हार्ट्स फॉर एवर, बट इस चीज़ से मैं काफ़ी अफेक्ट हुई हूँ। मैं बचपन से ही ऋषि जी के गाने सुन के हम लोग अपने आप को बहलाते थे, नाचते थे। आई थिंक उनके जैसा गिटार किसी ने आज तक बजाया नहीं है, ना उनके जैसी कव्वाली किसी ने गाई है। इरफान जी उमदा एक्टर, अपने आँखों से ये बात करते थे। उनसे काम करने का अवसर मुझे मिला एक फिल्म में, राइट या रॉन्ग में, लेकिन उतने सीन्स नहीं थे मेरे उनके साथ। कहने की बात यह है कि ये दोनों जो लोग हैं, ये दे वर बैटलिंग एंड दे वर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। द सी ए वर्ड कैंसर इज़ अ डेडली वर्ड, और हम सब लोग इस लव से बहुत डरते हैं, इस बीमारी से बहुत डरते हैं, और मैं भी बहुत डरती हूँ। एक बात शेयर करना चाहूँगी मैं आपसे कि आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। मेरे दादाजी, उनके भाई, उनके फैमिली के भी लोग, बहुत लोग कैंसर से कैंसर के शिकार में आए, और वी लॉस्ट देम टू कैंसर। मेरे दिल में हमेशा एक डर सा रहा है, व्हिच आई हैव बीन ट्राइंग टू ओवरकम। कोई भी छोटी बीमारी हो जाती थी, सर दर्द क्यों ना हो, मैं सोचती थी कि अरे बाप रे, ट्यूमर है क्या, कुछ और क्यों ना हो। और मेरे जैसे somebody like me, somebody is so strong headed, come across as very strong, very brave। आप सब लोग मेरे फैंस मुझे बोलते हो कि सो हार्ड वर्किंग, यस आई एम ऑल ऑफ दैट, बट हम सब इंसानों में एक फियर होता है, और ये सी ए जो वर्ड है, ये इट्स एन एक्सीडेंट, ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन ओवर द ईयर्स मैंने ये समझा है कि इट इज़ नॉट ओनली एन एक्सीडेंट। हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली, इमोशनली, वेरी इम्पोर्टेंट, इमोशनली बहुत ही सिक्योर, बहुत ही मजबूत रखना ज़रूरी होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक्चुअली कोई भी बीमारी स्टार्ट्स ऑन एन इमोशनल लेवल, और वो इमोशंस की वजह से हमको फिजिकली डिस्टर्ब करती है। डिजीज मतलब डिस ईज, सो व्हेन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नॉट एट ईज, इट कुड बी योर हार्ट, इट कुड बी योर लिवर, इट कुड बी योर किडनी, कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। ऑल्सो लैक ऑफ सम इमोशंस, जैसे जहाँ तक मैंने समझा है, ये द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, अगर आपने किसी करीबी इंसान को, घर के किसी इंसान को आपने आप उनकी मौत आप भुला नहीं सकते, वो एक गम बन के जिंदगी भर आपके सीने में रह जाता है, एंड यू कांट ओवरकम दैट लैक ऑफ लव। कई रिलेशनशिप्स में देयर इज लव लॉस्ट, लैक ऑफ लव, फियर व्हिच आई हैव बीन ट्राइंग टू ओवरकम। मैं ये समझती हूँ और आप सब लोगों से आज ये शेयर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ हुआ है तो वही होना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ अभी तक हुआ नहीं है
तो अभी भी नहीं होगा. देर इज नो देयर फॉर एंड देयर आफ्टर इन लाइफ. कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी डोंट टेक केयर एंड वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि कुछ भी हो सकता है. तो फिर क्या है अगर हम सब कुछ करके भी अगर कुछ भी हो सकता है. यस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर आप केयर नहीं लेंगे तो 100% गलत होगा ही. कुछ ऐसी चीज़ें जैसे दैट वी कैन बैटल सी ए, आई मीन दैट वी कैन सॉरी प्रिवेंट सी ए इज, जो मैंने समझा है, जैसे मैंने कहा फियर. फियर हमारा सबसे बड़ा एनिमी है. वो हमें कोई भी चीज़ करने नहीं देता. वी कांट टेक आर चांसेस, वी कांट ग्रो. हम हर फियर में, फियर हमेशा एक दिल दिमाग में एक चीज़ डालता रहता है कि शायद तुम ये करोगे तो वॉट इफ यू डोंट सक्सीड. अगर आप हार जाओगे तो क्या, अगर ये आप कर नहीं सकोगे तो क्या, अगर ऐसा होगा तो क्या. ये जो हमारे दिल में दिमाग में एक जो कश्मकश होती है, दैट बैटल इज बिकॉज ऑफ फियर. फर्स्ट एनिमी इज फियर. डोंट फियर एनीथिंग. जिंदा दिल, एकदम शेर दिल. कुछ भी होगा देखा जाएगा, शुड बी द एटीट्यूड. In terms of emotions, take things in your stride. जिंदगी में लोग आते हैं जाते हैं. We'll all have to leave this world, right? तो ऐसे होगा. हमारे आज हमारे इर्द गिर्द हमारे जो loved ones हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, एक दिन या हम उनसे दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए या वो हमसे. And we have to accept that. It's sad, but it's a truth we all have to accept. तो इसका जो fear है, we'll have to overcome. We'll have to take it in our stride. ये हुई emotional चीज़ें. फिर physical level पे acidic body जो होती है, जो An acidic body is a toxic body. हम हमारे body को जितना alkaline बनाएं उतना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. तो please Google food that makes your body alkaline and please introduce that into your lives immediately, जितना हो सके. आज मैंने अपने, पता नहीं क्यों मुझे मन किया मैं आप लोगों से ये सब शेयर करूं. मैं चाहती हूँ कि हम एक, हम सब स्वस्थ रहें. हम जो पिछले कई दिनों में हुआ है मुझे, उससे मैं बहुत अफेक्ट हुई हूँ उन चीज़ों से, और ये भी मेरा फियर रहा है. तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों से बताऊँ कि मेरी भी ये फियर है और मैं इसको ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ. और मैं, मुझे ऐसे लगता है बहुत से लोग भी, उनके लाइफ में भी ऐसे फियर्स होंगे. सो जस्ट अ शेयरिंग. आई होप इट रियली हेल्प्स यू. लाइक आई सेड, इमोशनली एंड फिजिकली दोनों लेवल्स पे आप सब लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा. एंड बी स्ट्रांग. एंड बहुत ज्ञान दिया मैंने आप लोगों को. सो यू नो, टेक इट सीरियसली बट नॉट सो सीरियसली. और क्या कहूँ मैं, बस लव यू ऑल. बाय, सी या.